हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड ऑन स्टॉक्स वंस अगेन टुडे। देखिए, सेल भी एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने आज एक बहुत जबरदस्त स्टार परफॉर्मेंस दिखाई है। बीइंग इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, 10 गुना जंप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर देखा गया है क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर, Q2 के अंदर, और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे आज तकरीबन 13% की तेजी से स्टॉक में आती हुई दिखाई दी। एंड 126 रुपीज का अपर सर्किट लगा पहले 10% का, उसके बाद में सर्किट खुलने के बाद में 130 रुपए 30 पैसे का इसका हाई रहा है। बहुत शानदार तेजी यहां पर देखने को मिली है। लास्ट ट्रेड प्राइस भी अगर आप देखें 9% का जंप है, 125 रुपए 20 पैसे तक ये स्टॉक अभी आपको दिखा रहा है लास्ट ट्रेड प्राइस के हिसाब से। अगर आप देखिए इसका 52 वीक हाई, तो अभी भी यहां से तकरीबन 25 रुपीज ऊपर है, 151 रुपीज के आसपास का 52 वीक हाई है 10 मई का, एंड 33 रुपीज का 52 वीक लो 29th of October 2020 का। एंड अगर हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 24% आती हुई दिखाई दे रही है, जो काफी ज्यादा डिसेंट आप मान सकते हैं इतने बड़े राइज के बाद में। अब अगर देखिए इस स्टॉक ने तेजी बनाकर और आज क्लोजिंग नीचे के लेवल पर दी है, तो क्या टेक्निकल बैठ रहे हैं इसके हिसाब से यहां पर तेजी बनानी चाहिए या नहीं, वो हम लोग देखेंगे स्टैट्स पर। उससे पहले एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, जिसमें आप ये देखेंगे कि आफ्टर 10-fold प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर जो 10-fold बढ़ गई है, उसके बाद एनालिस्ट जो है अभी भी 28% का अपसाइड दे रहे हैं। अभी भी एस्टीमेट्स ऐसे आ रहे हैं कि 28% ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है जो बेसिकली आपको समझनी चाहिए कि पीएसयू सेक्टर की ऐसी स्टॉक्स, ऐसी कंपनीज जहां पर बेसिकली मेटल सेक्टर की वजह से तेजी तो ऑलरेडी स्टॉक्स में है, लेकिन इतने ज्यादा राइज करने के बावजूद भी इनकी वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है, और यहां से क्लियरली ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको अभी भी और तेजी देखने को मिल सकती है। तो 28% तक की तेजी अभी भी यहां पर एनालिस्ट अपनी देते हुए बता रहे हैं कि सेल के अंदर आप बाइंग एक्शन बिल्कुल जारी रख सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल जाएगी। किस एनालिस्ट ने ये चीज कही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये देखिए, ग्लोबल रिसर्च फ्रॉम जेपी मॉर्गन हैज अपग्रेडेड द स्टॉक टू ओवरवेट एंड हैज रेज टारगेट टू ₹165 फ्रॉम ₹150 पर शेयर। प्रीवियसली ₹150 के टारगेट थे, अब 165 के कर दिए बढ़ाकर, एन अपसाइड ऑफ 28% फ्रॉम द करंट लेवल्स। इट इज ऑफ द व्यू दैट आफ्टर थर्ड क्वार्टर कॉस्ट शुड फॉल इवन एज वॉल्यूम्स एंड प्राइसेस शुड बी स्टेबल टू हायर इन द सेकेंड हाफ। क्लियरली रैशनली दिया है कि थर्ड क्वार्टर के अंदर कॉस्ट जो है वो नीचे आएगी एंड वॉल्यूम्स भी नीचे आ सकते हैं, साथ ही में प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहने का अनुमान है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो है, रॉ इन्फ्लेशन जो है वो बहुत इंक्रीज हो गया है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, एंड थर्ड क्वार्टर के बाद में उसका नीचे आने का अनुमान है, जो अगेन इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती हुई दिखाई दे सकती है। एंड इसीलिए 165 रुपीज का टारगेट जेपी मॉर्गन यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाउएवर, अगर हम लोग इनकी बात ना भी करें तो भी अगर आप ऑल ओवर देखेंगे तो यहां पर ऑलमोस्ट हर ब्रोकरेज फर्म सेल के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिव टारगेट देती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अगर आप देखें, आज एक बहुत बड़ी गैप अप इस स्टॉक को देखने को मिली है। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 115 रुपीज के आसपास, एंड इतनी बड़ी गैप आप आज देख पा रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। बहुत बड़ी तेजी बनी है, 130 रुपीज तक के हाई लेवल्स इसने अचीव करे हैं, जो तकरीबन प्रीवियस क्लोजिंग से 13% के आसपास हो जाते हैं, एंड वहां से करेक्ट होकर यह स्टॉक 125 रुपीज के आसपास क्लोज भी हुआ है, यानी कि पीक से इसके अंदर गिरावट भी आई है। लेकिन साथ ही में जो पॉइंट आउट करने वाली बात है वो हैवी वॉल्यूम्स, जो पिछले कई महीनों में ऐसे वॉल्यूम्स आपको नहीं देखने को मिले। आरएसआई भी अगर आप देखें तो ओवरवैल्यूड नहीं दिखा रहा है, 60 के पॉइंट को टच किया है, और ये इंडिकेशन है कि यहां से फर्दर भी आपको ये मोमेंटम इंटैक्ट देखने को मिल सकता है। अगले जो रेजिस्टेंस लेवल है बेसिकली वो ये बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 132 रुपीज के आसपास के हैं, वो अब बहुत बड़ी हर्डल की तरीके से काम नहीं करेंगे। एंड प्रीवियस जो 52 वीक हाई है 151 रुपीज के, वो ये क्लेम करता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। अगर देखिए यहां पर तेजी के साथ ही स्टॉक बंद होता है, तब थोड़ा सा हम लोग ये रिव्यू करते हैं कि इस स्टॉक के अंदर फर्दर पोजीशंस बनाई जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि गैप भी साथ में क्रिएट हुआ है। हम लोग जनरली देखते हैं जब भी कोई गैप क्रिएट होता है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो कुछ ट्रेडिंग सेशंस के बाद, अगर हम डेली चार्ट पर एनालाइज कर रहे हैं तो वो कुछ ट्रेडिंग सेशंस के बाद में अपने आप को फिल करने की कोशिश करता है। अब यहां पर जो सिचुएशन है, एक तो वॉल्यूम्स इतने ज्यादा पॉजिटिव है, एक आरएसआई का एक स्ट्रांग मोमेंटम आ रहा है, 60 के पॉइंट के ऊपर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इट इज नॉट गोइंग टू फिल दिस गैप एनी टाइम सून।
बाद में जरूर हो सकता है एक बार तेजी बनाने के बाद में इसमें करेक्शन आ जाए, लेकिन फिलहाल आपको ये तेजी बनती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि पीएसयू सेक्टर का एक छोटे टिकट साइज का ये स्टॉक है जहां पर आपको डिविडेंड भी मिलता है। अभी भी ₹4 पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है आज के जो रिजल्ट्स आए हैं। साथ ही में इसकी डिविडेंड डेट भी आपको बता देता हूं, 10th of November इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो ये रिकॉर्ड डेट भी नजदीक है। ₹4 पर शेयर का डिविडेंड ₹125 के स्टॉक में कोई छोटी चीज भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक को ₹151 तक डेफिनेटली क्रॉस कराते हुए दिखाई दे सकता है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो आपसे सिर्फ मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। टेक्निकली अगर आप यहां से देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ₹120 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस हम इसको देंगे और ₹118 का यानी कि ₹120 से नीचे का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। ये ₹120 की लाइन है जो एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरीके से काम करेगी, एंड इसके ठीक नीचे ये ₹118 के लेवल आपके स्टॉप लॉस के होने चाहिए। करंट लेवल से आप बेसिकली बाय इसके अंदर बना सकते हैं इन स्टॉप लॉस के साथ में, इसलिए स्टॉप लॉस रहेगा एंड बहुत जल्द आपको हो सकता है 150+ के टारगेट्स देखने को मिल जाएं सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टील सेक्टर में से ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक ज्यादा मोमेंटम जिसने नहीं करके दिखाया था, एंड इस बार दिस इज द हाई टाइम कि ये एक परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से कंडक्ट करके दिखाए इस गैप अप के बाद में। तो देखिए ये सेल के अंदर है टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल एज जो आज रिजल्ट आए हैं उसके बाद में जिस तरीके का रिविजन ब्रोकरेज हाउसेस से आता मिला है उसके ऊपर छोटी सी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसे ठीक पहले IRCTC के ऊपर भी मैंने वीडियो डाली है, उसके रिजल्ट में भी पांच गुना की तेजी देखने को मिली है प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन वहां पर जो बाइंग एक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया और उसका क्या इंपैक्ट होगा आने वाले टाइम में, वो वीडियो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको पोस्ट किया है। मिलूंगा आपसे जल्दी अगले वीडियो में। चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।